टॉय ट्रेन सेवाएं इस महीने के अंत तक नेरल और माथेरान के बीच पूरी तरह से शुरू हो जाएंगी। वर्तमान में टॉय ट्रेन सेवा केवल अमन लॉज और माथेरान के बीच संचालित है। 2019 में नेरल और अमन लॉज के बीच लगभग 19 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली सेवा को 20 स्थानों पर भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त होने के कारण निलंबित कर दिया गया था, जिससे ट्रैक बह गया था। यात्रियों को ले जाने के अलावा ट्रेन स्थायी लोगों को आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई में भी मदद करती है। मध्य रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, नेरल और अमन लॉज के बीच टॉय ट्रेन ट्रैक अब तैयार है और ट्रेल्स शुरू हो गए हैं, सेवाएं जल्द ही शुरू हो जाएंगी। नेरल माथेरान लाइन 1907 में पीरभॉय पारिवारिक उद्यम के रूप में बनाई गई थी और अब ये विश्व धरोहर स्थलों की संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन सूची में है। माथेरान समुद्र तल से लगभग 2600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। चूंकि ट्रेन कुछ नुकीले मोड़ वाली घाट खंड से गुजरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।